आज की हमारी कहानी भी एक ऐसी ही लड़की के बारे में है जो अनजाने में ऐसे मुश्किल हालात में फंस गई जहां से निकलना तकरीबन नामुमकिन था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं आकृति से। अरे बेटा, ये पागलों की तरह हंस क्यों रही हो? हाँ, माय कांट स्टॉप लाफिंग। आप अपने आप को देखो, कितने फनी लगते थे आप। लुक एट दिस, योर हेयर स्टाइल। क्या हो रहा है? पुरानी पिक्चर्स देखकर हंसी आ रही है? आकृति, आंटी को तंग बिल्कुल मत करना, और आंटी जो भी कहे उनकी बात मानना। वैसे तो ये रहेगी हॉस्टल में, बस थोड़ा ध्यान देना। संभवी, थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं होती ना, तो मैं इसे कभी यहाँ पढ़ने के लिए नहीं भेज पाती। तुम लोकल गार्जियन बनके मेरी टेंशन दूर कर दी। कैसी बातें करती हो? वी आर फ्रेंड्स, नो फॉर्मेलिटीज। हाँ, कम इन, गो। इधर आओ, मेरे पास बैठो। तुम्हारी बेटी है ही इतनी प्यारी कि मन करता है इसे अपने पास ही रख लूं। हाँ मिस्टर प्रभाकर। हाँ, डोंट वरी, आई हैव लाइंड अप एवरीथिंग। हाँ, कल एक काम करते हैं ना कि सारे डायरेक्टर्स को बुला लेते हैं। हाँ, एक बार मीटिंग कर लेते हैं। ओके, बाय। आंटी, आप भी वर्क करते हो? या, मस्ट बी फन ना? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये बताओ, तुम क्या बनना चाहती हो जिंदगी में आगे चलकर? मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहती हूँ, बहुत बड़ी बिजनेस वुमन। बहुत सारे पैसे कमाना चाहती हूँ। चलो लेके चलो, उसको गाड़ी में बिठाओ। क्या यही सपना रहा होगा आकृति का, उसके घर वालों का, जब वो दिल्ली जैसे महानगर में पढ़ने के लिए आई थी? आकृति के पिता नहीं थे, कुछ वर्षों पहले उनका देहांत हो गया था और आकृति रायपुर में अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी। आखिर आकृति के जीवन में ऐसी क्या घटनाएं घटी कि वो इस बुरे अंजाम तक पहुंच गई? क्या थी हकीकत, ये जानने के लिए हमें वक्त की सुई को थोड़ा पीछे घुमाना होगा। क्या तुम्हें पहले बता देती ना, तो आप एग्जाम ही नहीं देने देते। हाँ, तो आप क्यों बता रही है? आप जाने दो मम्मा, ये जाने दो ना। आपको भी मालूम है कि आपकी परमिशन के बिना मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। अरे बेटा, इतना बड़ा शहर, यहाँ आसपास के कॉलेज में भी तो MBA होता होगा ना। मम्मा, पर दिस इज द बेस्ट वन। आपको मालूम है पापा यहाँ होते तो कितने खुश होते। अगर पापा होते तो मैं तुझे खुद नहीं रोकती। मुझे डर लगता है बेटा, वहाँ जाने के बाद कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मेरी तो जान ही निकल जाएगी। मैं आपकी जान को कुछ नहीं होने दूंगी, मेरी जान। मस्का लगा रही है मम्मी, जरा बच के। ओए, तू चुप कर, समझ आ गई ना? बीच में मत बोल। मैंने क्या बोला? हाँ, दिख रहा है मुझे। लेकिन एक अनजान शहर में बेटा, तू रहेगी कैसे? जैसे आप रहे थे मम्मा। मम्मा, आप भी तो हॉस्टल में अकेले रहते ना, अकेले पढ़ाई की थी। मैं भी कर लूंगी, और भूलो मत मैं आपकी बेटी हूँ। मम्मा, जब तक मैं अकेली नहीं रहूंगी, अकेले नहीं पढ़ूंगी तो सीखूंगी कैसे? अरे बेटा, लेकिन मैं वहाँ अकेली कहाँ थी? मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जो मुझे हमेशा सपोर्ट किया करती थी। क्या नाम था उसका? संभवी। एक मिनट, मैं अभी पता करती हूँ। अगर वो अभी भी दिल्ली में है और तेरी लोकल गार्जियन बनने को तैयार हो जाए ना, तब मैं कुछ सोच सकती हूँ। ये क्या किया? सारा मेहनत बेकार कर दिया। अरे तू ना सुधरने वाली नहीं, सुधरने वाली नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बेटा, तुम्हारा कॉलेज तो काफी बड़ा है और साफ सुथरा भी है और पीसफुल भी है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कॉलेज और हॉस्टल एक ही कैंपस में। अपना ध्यान रखना और खाना बिल्कुल वक्त पे खाना, और हाँ, दूध पीना तो बिल्कुल भी मत भूलना, समझ गई? अरे ये क्या,
क्यों रो रही है? अरे बेटा तू इतना हिम्मत करके आई है यहाँ पे और फिर ये क्या, क्यों? अरे अरे सुन तो सही। अरे बेटा हुआ क्या, बता तो सही क्या हो गया है? अरे बोल ना मेरी गुड़िया, क्या हुआ बता बता, बता, बता। क्या हो गया? आपकी बहुत याद आई। अरे बेटा मिस तो मैं भी करूंगी तुझे, लेकिन खूब मन लगा के पढ़ना हा? और हाँ कुछ ऐसा बन के दिखाना कि हम सब तुझ पर नाज कर सके। और हाँ किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो संभवी को फोन कर लेना। अरे मैं नहीं हूँ तो क्या हुआ, वो है ना यहाँ पे तुम्हारी लोकल गार्जियन। अब तो हंस दे मेरी गुड़िया, वरना ये रोतड़ू सा चेहरा मुझे रास्ते भर परेशान करेगा। हंस दे, देखो तुम्हारी शर्ट पे क्या गिरा। हाँ ये हुई ना बात। अब मेरी गुड़िया हंसते में कितनी अच्छी लगती है। मेरी बच्ची रोते नहीं बेटा, हमेशा हंसते रहते हैं, है ना? तो बच्चा अपना ध्यान रखना, समझ में आई बात? और फोन करना, ठीक है? चल मैं चलती हूँ, बाय बेटा। आकृति का जोश और जज्बा देखिए, खुद को और अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य देने के लिए उसने इतनी कम उम्र में एक अनजान शहर में पढ़ने का फैसला किया। आकृति के इस फैसले पर उसकी माँ को बेहद गर्व था और होना भी चाहिए। आंखों में एक बेहतर कल का सपना लिए आकृति आ तो गई थी इस महानगर में, लेकिन यहाँ के रहन सहन और तेज रफ्तार भागती जिंदगी से बिल्कुल बेखबर थी वो। कैसे संभालेगी वो खुद को इस भीड़ में? क्या आसान होगा उसके लिए यहाँ अपने लिए जगह बना पाना? बस ऐसे ही पढ़ाई कर रही थी। अच्छा तो चल दिव्या के रूम में ना पार्टी चल दी है। अभी? हाँ और कब पागल, किताबें कर बन और चल पार्टी में। अरे पर कल तो कॉलेज है ना। बोल मत कर यार, कॉलेज तो डेली जाते हैं पर पार्टी तो नहीं जाते ना। चल अभी पार्टी में चलते, चल चल चल। अब यार चल छोड़, चल नहीं तो चल मेरी। ओके बिल्कुल ही नई दुनिया थी आकृति के लिए, और वो जानती थी कि ना चाहते हुए भी अब उसे इसी दुनिया में इन्हीं लोगों के बीच रहना होगा, और वो इस बदलाव के लिए तैयार भी थी, लेकिन साथ ही साथ वो अपना रहन सहन और अपने संस्कार भी बनाए रखना चाहती थी। इसीलिए वो सबके साथ रहकर भी खुद को सबसे अलग रखती थी, और इस वजह से कभी कभी इस भीड़ में खुद को बिल्कुल अकेला पाती थी। लेकिन अपने अकेलेपन के बावजूद उसने अपनी ये बात कभी माँ को नहीं बताई, क्योंकि वो जानती थी कि माँ ये बात जानकर परेशान हो उठेगी। अपना अकेलापन दूर करने के लिए उसके पास बस एक ही जगह थी, उसकी लोकल गार्जियन शांभवी का घर। I am quite sure we will get the contract. ये काम ऐसे ही है, negotiations में टाइम लगता है। भाई, अगला भी तो टेस्ट करता है ना कि हम कितने डेस्परेट हैं। उसी के अकॉर्डिंगली वो अपनी प्राइस कोट करता है। मेरे काम करने का तरीका आप जानते हैं ना भाई। इस ऑफिसर को पैसे तो सभी लोग ऑफर कर रहे होंगे, लेकिन मैं पैसों के साथ साथ गुलकंद भी तो देता हूं ना। हाँ और वो ये बात अच्छी तरह जानता है। हनी ट्रैप इज मोर टेम्पटिंग देन मनी ट्रैप। मेरा असिस्टेंट है ना समीर, उसको इस काम पे लगाया हुआ है। लेट विल बी बैक। आप ट्रिप से वापस आ गए? How was your trip? Great, 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 great. She's Akriti.
I told you ना, मेरी वो कॉलेज की फ्रेंड जया, ये उसकी बेटी है, कुछ दिन पहले ही आई है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए यहाँ पे। हाय आकृति। हेलो अंकल। तुम ये डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव सिर्फ मेरे साथ कर रही हो या सबके साथ करती हो? I mean, how can you? ये होंगी तुम्हारी आंटी, मैं नहीं हूं तुम्हारा अंकल। Relax, baby. Don't worry. He's just joking. तो पता है, तुम्हारे अंकल का सेंस ऑफ ह्यूमर इज वेरी वेरी सीरियस। ती आकृति, I am Ajay Bavej. Hi. Let's go and eat something inside. Come. बच्चे कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया? IIM. तो अपने साउथ दिल्ली में ही। अपने काफी सारे जानने वाले लोग हैं वहाँ। अरे डार्लिंग, वो अपने तनु साहब है ना? अरे पिछले महीने जिनका कॉन्ट्रैक्ट पास करवाया हमने, उनके सन-इन-लॉ तो डायरेक्टर हैं इस कॉलेज के। ओह रियली? रानी बन के राज करो, अपना ही कॉलेज है। इवन मम्मा का है तो। हेलो, हाय मम्मा, कैसे हो आप? हाँ जी। आजमीर बोलो, क्या न्यूज़ है? सर, मिस्टर त्रेहान मार गए आपके ऑफर प्राइस पे, लेकिन सर ये आपके गुलकंद वाला फॉर्मूला तो हर बार काम करता है सर, लेकिन इस बार उन्हें गुलकंद का नया ब्रांड चाहिए। हाँ तो एजेंट को फोन कर दो ना, बोल देना कोई नए ब्रांड का गुलकंद भेजेगा। हाँ सर, मैंने उससे बात की थी लेकिन उसने बोला कि 2-3 हफ्ता जाएगा, लेकिन सर हम 2-3 हफ्ता नहीं रुक सकते क्योंकि और भी लोग लगे हैं इस डील के लिए। थोड़ी देर वेट करो, मैं बताता हूँ फिर क्या करना है। ठीक है सर। बस जया से कहते ना बिल्कुल तुम्हारी चिंता ना करें, हम लोग हैं यहाँ पे आपको, इसलिए तो वो रिलैक्स्ड है। डार्लिंग, तुमने आकृति को हॉस्टल में रहने के लिए अलाउ कैसे कर दिया? अरे भाई इतना बड़ा घर है, एक आध गेस्ट रूम दे दो ना। थैंक यू सो मच, बट वहाँ स्टडीज की वजह से रहना बेटर होगा, लाइक यू नो ग्रुप स्टडीज, लाइब्रेरी। तो अच्छा, तो एक काम करो, तुम ना दोनों जगह को बेस बना लो, कभी यहाँ कभी वहाँ, पर हाँ वीकेंड में तुम यहाँ आए। ओके, इनको भी कंपनी मिल जाएगी। वैसे तुम दोनों की जोड़ी कमाल की है, शक्ल भी एक जैसी है और स्वभाव भी कुछ कुछ। डालिंग जरा क्लोज आओ ना, एक पिक क्लिक करता हूँ, बड़े अच्छे लग रहे हो दोनों। चलो Thank you. Hello? हाँ सर, मुझे फोटो मिल गई। त्रेहान को फॉरवर्ड कर दो और उनसे पूछो ये ब्रांड का गुलकंद चलेगा क्या? ओके सर। आकृति, we are going for coffee. तो तू चल दिया ना हमारे साथ? हाँ चलते, फ्रेश होकर मिलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है। हाय आकृति। Yes. Hi, I'm समीर, अजय सर का असिस्टेंट। अजय सर, तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। चलो ओके, बाय जी। उन्होंने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। कहाँ? घर पे, गाड़ी में लेकर आयो। What a pleasant surprise. Surprise तो आपने मुझे दिया, यहाँ बुलाकर। मैंने? ये मेरा सरप्राइज था तुम दोनों के लिए। क्यों? तुम तो भूल गई ना, वीकेंड में से यहाँ रहना चाहिए था। ओह हाँ, सॉरी माय रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड। शाम को मिलता हूँ मैं तुम दोनों से। गेस्ट आने के पहले आ जाइएगा प्लीज। फॉर श्योर बाबा, बाय बाय। गेस कोई आ रहा है? हाँ, वो क्या है, शाम को पास वाले क्लब में एक छोटी सी पार्टी रखी है, तुम्हें तो पता नहीं होगा। चलो
बढ़िया से ड्रेस निकालती हूँ तुम्हारे लिए पार्टी वाला. आई विल मेक यू रेडी. ओके कम. हेलो मिस्टर अजय. त्रेहान. एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी. अरे भाई बड़ा इंतजार करवाया आपने. भाई हमें तो लगा कि कहीं शायद आपने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया. अगर आप बुलाते तो शायद नहीं आते, लेकिन आपको ऑफर इतना टेम्प्टिंग था कि खुद को रोक ही नहीं पाए. शुरू कीजिए आप. हाँ जी जी. Hey, I hope you are enjoying the party. Yes, uncle, I am. What did you say? Sorry, AB. अच्छा तुमने कुछ लिया कि नहीं लिया अभी तक? माल करती हो. Excuse me, waiter. एक जूस. बेटा
हाउ आर यू? तुम्हारे लिए स्पेशल चाय बनवा के लाई हूँ, ये लो। कैसी तबीयत है तुम्हारी? कल तो बिना पार्टी में बताई यहाँ घर आ गई, और फिर मैं तुम्हें ढूंढती रही। फिर अजय ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुम आ गई यहाँ पे। तो नाउ हाउ आर यू फीलिंग? आई डोंट नो, कुछ अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, थक गई होगी, आज ज्यादा रेस्ट कर लो, वैसे भी आज तुम्हारी छुट्टी है। नहीं आंटी, मुझे जाना है। ठीक है, चली जाना, पहले चाय पी लो, यू विल फील बेटर। ठीक, इसको क्या हुआ? आकृति, I will call you. How is you? Hi uncle, I'm fine. अच्छा, friends के साथ आई हो? जी, बस अभी hostel ही जा रही थी। अरे क्या बात है बच्चे, उस दिन के बाद से तुमने घर आना ही छोड़ दिया। अब आज वीकेंड है फिर भी तुम नहीं आई। जी अंकल, मैं वो थोड़ा पढ़ाई में बिजी होती थी। That's nice. अभी क्या कर रही हो? हॉस्टल जा रही हो ना? एक काम करते हैं ना, मेरी यहाँ पे 15 मिनट की छोटी सी मीटिंग है, वो अटेंड करते हैं। लेट्स हैव अ डिनर ना, फिर मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूंगा। हाँ चलो। अरे बाबा, तुम्हारी आंटी को भी बुला लेते हैं बेटा। कम कम आ जाओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आकृति, तुम जूस पी नहीं रही हो? लो लो, क्या हुआ? नहीं अंकल, मन नहीं है। तुम्हारी आंटी का फोन। हाय डार्लिंग, कहाँ हो? अरे कितनी देर से तुम्हें फोन ट्राई कर रहे हैं हम लोग। हाँ, मैं और आकृति साथ में ही है मेरे। लो लो, बात करो बात करो। हेलो आंटी। हाय बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मैंने अभी भी लैंड किया है। आई वॉज इन मुंबई फॉर अ बिजनेस मीटिंग। हो सके तो डिनर के बाद घर आ जाओ। नहीं आंटी, वो पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, फिर कभी। ओके, एज यू विश, बाय, टेक केयर। ओके आंटी। आंटी तो यहाँ नहीं है। आई नो, मुझे लगा एयरपोर्ट से डायरेक्ट यहीं बुलवा लूंगा, बट शायद उसकी फ्लाइट लेट हो गई। ओके आकृति, जस्ट अ मिनट, मैं जरा वॉशरूम से आ रहा हूँ, तुम कंटिन्यू करो। दैट्स माय फेवरेट। आकृति, तुमने जूस तो पिया नहीं, इसको ट्राई करो। कम ऑन कम ऑन। Nice, no? Have it, have it. तो कहाँ पहुंचे सर? आपका आपका गुलकंद तैयार है। कम ऑन, अभी अब जल्दी आइए, जल्दी। तबीयत कैसी है बेटा? कल क्या हो गया था तुम्हें अचानक फिर से?
एकदम से अचानक बेहोश हो गई। एक काम करते हैं, मुझे लगता है किसी डॉक्टर को हमें दिखाना चाहिए। लेट्स लीव एंड आकृति, अरे सुनो मेरी बात आकृति। इस घटना के बाद आकृति जान गई थी कि अजय का बर्ताव नॉर्मल नहीं था। उसने एक डॉक्टर से अपने बेहोश होने की मेडिकल वजह जानने की कोशिश भी की, लेकिन डॉक्टर के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक थी। ये जानकर तो अजय की ओर उसका शक और भी पुख्ता हो गया। लेकिन इस सब के बावजूद आकृति ने इस बात का अपने लोकल गार्जियन से जिक्र तक नहीं किया। शायद वो इस बात का लिहाज कर रही थी कि अजय उसकी लोकल गार्जियन शांभवी का पति था। लेकिन कभी कभी अपने सम्मान के लिए हमें अपने लिहाज का पर्दा गिराना पड़ता है। बहरहाल आकृति ने बड़ी दृढ़ता से फैसला किया कि वो अजय और शांभवी दोनों से ही दूर रही। वो ना तो उनके घर जाती थी और ना ही उनके फोन कॉल्स अटेंड करती थी। धीरे धीरे कॉल्स आने भी बंद हो गए और आकृति सब कुछ भुलाकर अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहने लगी। आकृति माथुर, आपको सर ने बुलाया। जी सर, आपने बुलाया। भाई तुमसे कोई मिलने आए। हाय आकृति, कहाँ हो बच्चे, कोई खबर ही नहीं तुम्हारी। बेटा आंटी बहुत परेशान हो रही तुम्हारे लिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही चल के ले आता तुम्हें। आकृति तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारे लोकल गार्जियन है। भाई मेरे अच्छे परिचितों में से हैं ये लोग। चलो बच्चे आ जाओ, चलो गो बेटा गो। एंड यू शुड बी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि यू हैव सच अ गुड लोकल गार्जियन हियर। गो बेटा, चीयर अप। शड्डा साहब थोड़ा सब्र से काम लीजिए। हाँ जी हाँ जी अंकल, आंटी नहीं है। देखो मैं कुछ बातें बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। नंबर एक, तुम्हारी आंटी तो यहाँ नहीं है, और सेकेंडली तुम्हारा दो बार बेहोश होना कोई इत्तेफाक नहीं। मैंने तुम्हें बेहोशी की दवा दी थी। अरे पर मेरी ईमानदारी देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल साफ साफ और सरसच बता रहा हूँ, और उसके बदले में पे भी कर रहा हूँ 25,000 इच टाइम। आकृति एक डील करते हैं, आज के बाद तुम मेरे लिए काम करो। बड़े बड़े लोग मेरे क्लाइंट हैं और उनसे बिजनेस डील फिक्स करवाने के लिए मुझे तुम जैसी लड़कियों की जरूरत पड़ती रहती है। बदले में मैं तुम्हें हर बार पहली बार से दुगनी रकम दूंगा। सोच कह रही हो इतना? और हाँ प्लीज डोंट से नो, क्योंकि दो बार पहले भी तुम ये काम कर चुकी। कमान कमान कमान, कोई बात नहीं। ये रूम की छाप, रूम नंबर 204, यहाँ पहुंचो, मेरा क्लाइंट वेट कर रहा है। अजय, अजय, what is this? क्या है ये सब? आकृति ने मुझे सब कुछ बताया। I told you, इतनी जल्दीबाजी मचाते हो। अभी वो रेडी नहीं है, इसको समझाना पड़ेगा। लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो ना मेरी बात। सब कुछ उसे पहले से सच बता दिया तुमने। Give me some time. देखो बेटा, अच्छा मेरे हस्बैंड है और मैं उनकी वाइफ। बिजनेस हम दोनों साथ में करते हैं, बिकॉज़ आई एम हिज बिजनेस पार्टनर। लेकिन उन्होंने तुम्हें पहले ही सच बता दिया। अब जैसा मैं कहती हूँ वैसे ही करो। देखो होने से कोई फायदा नहीं, जिंदगी में पैसा कमाना नहीं बड़ा बनना है। देखो MBA करने के बाद तुम्हें कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं मिलने वाली। बट आई प्रॉमिस यू आकृति कि आफ्टर फिनिशिंग योर MBA हम तुम्हें किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एक बहुत बड़ी नौकरी मिलवा देंगे। सीरियसली, उसके बाद तुम बहुत सारा पैसा कमा सकती हो, घर होगा, बंगला होगा, बड़ी गाड़ी होगी। नो लुकिंग बैक, सिर्फ ऐशो आराम। तुम बस हम लोग की बिजनेस पार्टनर बन जाओ एंड नो प्रॉब्लम। मुझे
इस घर में नहीं रहना और मैं यहाँ पे आज के बाद कभी नहीं आऊंगी। कहाँ जाओ? तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है? जरा सोचो, अगर ये सब कुछ हमें तुम्हारी माँ जया को बता दिया तो क्या वो हैंडल कर पाएगी? Will she be able to handle all this? और मेरे ख्याल से उसे दिल की बीमारी भी है ना, वो तो हार्ट अटैक से मर जाएगी, है ना जी? आपको इसलिए भलाई इसी में, तू एक्ट मैच्योरली, अब तुम बड़ी हो गई, समझदार हो, स्टैंड ऑन योर ओन फीट, बिजनेस वुमन बनो, पावरफुल गर्ल, यू चूज, तुम्हें क्या बनना है? हमारी पार्टनर बनने को तैयार हो या तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दे? Give me the keys. ये लो चाबी, ये होटल की चाबी है, और इससे पहले कि क्लाइंट वहां पहुंचे तुम गुड गर्ल की तरह मुंह हाथ धोकर तैयार होकर वहां पहुंचे। ना चाहते हुए भी वही करना पड़ेगा जो ये लड़की चाहती है। Give me the phone. हेलो, हाय समरी, कैसी हो? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तू सुना, तू कैसी है? हाँ सब ठीक ठाक है, बस तुमसे कुछ आकृति के बारे में बातें करनी थी। आकृति के बारे में? हाँ हाँ बोल ना, क्या बात है? हेलो शांभावी, आकृति के बारे में क्या बात करनी है तुझे? हेलो हेलो शांभावी, कुछ तो बोल। हाँ हेलो, हाँ सुन रही हूँ। वो क्या है ना, नेटवर्क का प्रॉब्लम था इसलिए आवाज नहीं आ रही थी। ओ अच्छा। हाँ बस यही कहना था कि आकृति एक बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की है, मेरा जी चाहता है कि उसे मैं अपने पास अपने घर में ही रखूँ। अच्छा। हाँ सिटी लाइफ को तो बड़ी अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लिया उसने। नो प्रॉब्लम, यू डोंट वरी, ही इज अ स्वीटहार्ट। ओके बाय। जिस्म फरोशी के दलदल में आकृति का यह पहला कदम था, लेकिन यह उसका आखिरी कदम साबित नहीं हुआ। वो दिन ब दिन इस दलदल में और धंसती चली गई। जिन लोगों को आकृति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वही लोकल गार्जियंस अपने बिजनेस के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे थे, और अब उनसे आकृति की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। मैं बहुत बड़ी बिजनेस बनना चाहती हूँ, मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहती हूँ। खूब मन लगा के पढ़ना, हाँ और हाँ कुछ ऐसा बन के दिखाना कि हम सब तुझ पर नाज कर सके। हेलो। हाँ आकृति, कैसी है बेटा, ठीक तो है ना? अरे बेटा तेरी आवाज सुनने में बहुत दिन हो गए थे। और तेरा सेमेस्टर एग्जाम पास आ रहा है ना, पढ़ाई चल रही है ना बेटा कि नहीं? अरे हाँ सुन, वो तेरे अकाउंट में मैंने पैसे डाल दिए, निकाल लेना। आकृति क्या हुआ बेटा, तू चुप क्यों है? तू सुन रही है ना आकृति? हेलो देख बेटा, मुझे घबराहट हो रही है, सब ठीक तो है ना? हाँ मां, वो थोड़ी सी ना सर्दी हो रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बाद में बात करती हूँ। मैं लाइब्रेरी में एंटर कर रही हूँ, एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही है माँ। अच्छा ठीक है बेटा, जब मौका मिले तो फोन कर लेना। बाय माँ। बाय। Thank you.
आई कम इन सर। आकृति माथुर आपका फोन आया है, जाइए। हेलो, पेपर हो गया तुम्हारा? कैसा हुआ? इसीलिए फोन नहीं उठा रही थी तुम, है ना? चलो कोई बात नहीं, सब छोड़ो और घर वापस आ जाओ, तुम्हारे लिए एक नया काम आया है। Excuse me, sir. Excuse me. Sir, मुझे आपकी मदद चाहिए। अरे रणधीर, आप खुद ही लेके आ गए आकृति को। हाँ, मैं खुद ही लेके आ गया आकृति को, और अगर इसको यहाँ लेके नहीं आता और ये कहीं और चली जाती, आप दोनों को प्रॉब्लम हो सकती थी। कितनी बार मैंने कहा कि इसका कॉलेज छुड़वा दो, लेकिन आप लोग हैं ये मानते ही नहीं। नहीं मिस्टर सिंह, अगर बच्ची पढ़ना चाहती तो उसमें कोई बुराई नहीं है, उसको पढ़ने देंगे। एंड थैंक यू सो मच कि आपने आकर हमें सब कुछ बताया। दैट विल बी टेकन केयर ऑफ, यू डोंट वरी। बच्ची है इसलिए सब कुछ निकल जाता है मुंह से, धीरे धीरे सब समझ जाएगी, फिर एक दिन सब कुछ भूल भी जाएगी। तुमसे तो हम बाद में बात करेंगे, चलो अभी। यही सवाल उठ के आ रहा है कि वो आदमी जो एस्कॉर्ट के साथ होटल में था, आखिर पुलिस उसके नाम को क्यों रिवील नहीं कर रही है, और वो सारे नाम जो इस सेक्स रैकेट में शामिल थे, आखिर पुलिस उन नामों को क्यों छुपा रही है? मैम, जिस सेक्स रैकेट में आप पकड़ी गई थी उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? प्लीज बताइए, जिस सेक्स रैकेट में आप पकड़ी गई थी उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इसने तो मेरे खुद पुलिस को फोन किया था, वरना इस रॉकेट के बारे में कभी किसी को पता नहीं चलता। तुम लोगों को मालूम है वहाँ हजारों मेरे जैसी लड़कियां बैठी हैं जो इस मुसीबत से बचना चाहती हैं, उनको बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया कि अब बदनामी के डर से मैं चुप नहीं बैठूंगी, आने के लिए मुझे सामने आना ही पड़ेगा। अब उन सब का नाम सामने आएगा जिन्होंने आज तक मुझे बेचा और खरीदा। स्थानीय अभिभावक यानी लोकल गार्जियंस पर माता पिता की जगह लेने का दायित्व होता है, ये एक बेहद सम्माननीय दर्जा है, लेकिन शांभवी और अजय ने इस दर्जे की सभी मर्यादाओं को भंग कर दिया, कलंकित कर दिया इस दर्जे को, और उन्हें अपने गुनाह की सजा भी मिली, और यह सब संभव हुआ सिर्फ आकृति की वजह से। मैं दाद देता हूं आकृति की हिम्मत की, जिस डर को पैदा करके उसके गुनाहगारों ने उसका शोषण किया, अंत में आकृति ने उसी डर को अपना हथियार बनाया और अपने गुनाहगारों को सजा दिलवाई। इस हाई प्रोफाइल एस्कॉर्ट रैकेट का भंडाफोड़ हुआ और इससे जुड़े सभी आरोपियों को भी सजा मिली।
तो ये थी आकृति की बहादुरी की मिसाल। अगर इतनी कम उम्र में आकृति इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकती है तो फिर हम और आप क्यों नहीं। तो आइए आगे बढ़े और जुर्म को मुंहतोड़ जवाब दें। सावधान रहें, सतर्क रहें, जिम्मेदार बने। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ।